प्राइवेट स्कूलों वालों फीसां की वसूली का मुद्दा भखदा जा रहा है। ब्लॉक मजीठा के एक प्राइवेट स्कूल विच फीस वसूली नूं लैके पेरेंट्स वालों कीता गया हंगामा। बिल्डिंगा इन्हां दीआं बच्चों को जिहड़ा चार्ज लैंदे हर साल वधाई जांदे मर्जी दे नाल, असीं कहिंदे इन्हां दे बिल भर गए स्कूल इन्हां दा, बच्चे नज तां पास हो गए इत्थों, जिहड़ा बच्चा हट जूगा स्कूल इन्हां दा बच्चे ने नाल लै जाणा, बिल्डिंग इन्हां ने बनाउणी कहीं बना के देणी इन्हां नूं, ये साडे कोल फीसां लैंदे ने, असीं इन्हां नूं जो मंगदे देंदे हर साल। ट्यूशन फीस बन रही है उही देवांगे, लैनी इन्हां ने लैण नहीं लैनी वो भी नहीं देवांगे आपां, इन्हां क्लासां बंद कर दियां मैं कर देणा, असीं फिर इत्थे असीं जो साडे कोल अगली कार्रवाई होगी असीं सारे यूनियन दे नाल रल के इत्थे स्कूल कोई बच्चा आउण नहीं देवांगे। सरकार दा मतलब हैगा वा भी जिहड़ा एलमल चार्ज आ नहीं लिया जाएगा, इन्हां 1600 रुपया साडे कोल एलमल चार्ज भी लै लिया, अजे भी साडे कोल फीस जिहड़ी पूरी मंग रहे आ, इन्हां दी जिहड़ियां क्लासां वा वो चल नहीं रहियां, टोटल 15 या 20 मिनट चल रही क्लास, बच्चों की मैडम हाजिरी लाउंदी आ, मतलब नैट जिहड़ा बंद हो जाता इन्हां दा, सिर्फ जैसनो ही हुंदा उत्ते। लॉकडाउन दौरान प्राइवेट स्कूलों वालों बच्चों दी फीसां दी वसूली दा मुद्दा दिन ब दिन भखदा जा रहा है, ते अज ब्लाक मजीठा दे वरियाम नंगल दे एक प्राइवेट स्कूल विच बच्चों दी पूरियां फीसां दी वसूली दे मामले विच बच्चों दे मापियां वालों हंगामा कीता गया। बच्चों दे पेरेंट्स ने स्कूल प्रबंधकां ते सरकारी हुक्मां दे उल्ट वाधू फीसां लए जाण दे दोष लगाए ने। उन्हां दोष लगाए कि स्कूल वालों एनुअल फीस अते लॉकडाउन दौरान पूरियां फीसां वसूलियां जा रहियां ने, जदके स्कूल वालों सिर्फ 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास लगाई जाती है। इस संबंधी जदों स्कूल के प्रबंधकां नाल गलबात करनी चाहिए तां उन्होंने कुछ भी बोलन तो इनकार कर दिता। इस मुद्दे दा तुहाडा कोई जवाब नहीं? मैं कोई जवाब नहीं दे सकदा। हां आम पब्लिक दसण लई आ, तुसीं भी अपना व्यू दसो। नहीं मैं कुछ नहीं कह सकदा। उधर बच्चों के मापिया ने कहा कि सरकार नूं लॉकडाउन दौरान बच्चों दीआं फीसां माफ कर देनियां चाहीदियां हन, क्योंकि वह काम ना चलन करके फीसां देने तो असमर्थ हन। साडा बच्चा LKG क्लास पढ़ रहा है, 3 महीने तो इन्हां दा स्कूल जिहड़ा कि बंद होया जदों दा भी ये लॉकडाउन होया आ, ये साडे कोल पूरी पूरी महीने की फीस मंग रहे आ, जबकि साडे बच्चे छोटे आ, असीं बाहर भी फीसां दे के उन्हां नूं पढ़ा रहे आ, एक पासे असीं ट्यूशन फीस बाहर दे रहे आ, 2 घंटे की क्लास करा रहे आ जिहदे विच साडे बच्चे नूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा, 5 बुक्सां 5 बुक्सां दे विचों 2 घंटे दे विच कीड़ा ऐसा जिहा सिलेबस आ जिहड़ा सारा कवर हो जांदा। फीस हाँ जी फीस पूरी लई जा रही है, उस कोई डिस्काउंट नहीं सानूं हैगा, वो जिनी फीस असी पहला दे रहे कि बच्चा पूरे जिन्हें घंटे पढ़ता रहा हूँ भी उही फीस जी लै रहे हैं, तो ये कहते हैं कि हाफ नहीं करनी है पूरी ही ले जाऊगी। असी एक दिहाड़ीदार बंदे हाँ, एक तो असी पिंड बच्चे की फीस दे के उन्होंने उत्थे पढ़ा रहे हैं, एक इन्हों इतें दई है सर, अपने घर का टाइम ही मुश्किल चलता पा रहा, इन्हों कितों फीसा दित्तियां जान। स्कूल की प्रिंसीपल यही कह रही है कि पूरी ही फीस ले जाएगी, इस तो वध ना तो ही घटेगी, वो तो सिर्फ एको ही रट्टा ला के बैठे आ कि फीस ही पूरी होगी। असं एक किन्ने पहले सानू फोन करते रहे कि ट्यूशन फीसा दो, हुण सर ये साढ़े को फुल फीसा मंगते पे आ, तो असी दिहाड़ीदार बंदा फुल फीसा हुण बच्चों दीआं कित्थों देगा, हुण असी जो भी करांगे ट्यूशन फीसा ही देवांगे, इस तो अगे असी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की 1 घंटे तो वध क्लास नहीं लगती, भी 12 तो 1 बजे तक क्लास लगती है, सर अहीं 2 बच्चों दीआं इन्नियां फीसा कित्थों देईए। जद कि तुम ये दसोगे जदों बच्चा स्कूल ही नहीं आ रहा फिर भी अं फीस देने एक कह रहे ट्यूशन फीस अं तैयार है ट्यूशन फीस देने, पर ट्यूशन फीस का मतलब की है, ट्यूशन फीस हों कोई परसेंट 30% हो जाए 40% हो जाए, इन्होंने की किया इन्होंने कहा कि 100% एक, जबकि वो नर्सरी के फीस जो ही बच्चे की 1060 रुपये से अज वो फीस कि नहीं लै रहा 1290 रुपये, 230 रुपये जोड़ा एक्स्ट्रा पाते, जबकि इन्होंने हम जो बच्चा साढ़े को साडा एडमिशन करवाना है ना उदो कहते हर साल बच्चे की जो पढ़ाई है एजुकेशन आेख के हर मतलब के साल 50 या 60 रुपये फीस वधेगी, अज की है 230 रुपये वधा के कहता कि बच्चा ऑनलाइन क्लासा लै रहा वा, ट्यूशन जो है वो मतलब फीस जो है वो इन्हों घट्टो घट भी मतलब पूरी तारनी पाएगी। ऑनलाइन क्लासा तो भाई पूरी फीस लैन डे आ, पर बट जी क्लास लाने वो 1 घंटा 1.25 घंटा कई ने 1/2 घंटा ली, हफ्ते 2 दिन 3 दिन क्लास लगते हैं, आप पूरी फीसा क्यों देना दसोगे? क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करता हाँ, मेरे को इन्ने पैसे नहीं है कि मैं पूरी फीस पा सकता। प्रिंसीपल ने ना दिल नहीं गल गोलमोल जहाँ करिए ना कि फिर इन्हें बना, कहता एप्लीकेशन देख के दो करा ये करा तो 20% माफ कर देंगे, क्योंकि इन्होंने 20% पहले ही बधा चुके हैं फीस, जो हमारे बच्चों की फीस थी ना 20% इन्होंने पहले ही फीस वाद कर दी है, अपनी मर्जी ना कोई नहीं पुछते कुछ नहीं, इन्होंने कहा 40-50 रुपये 60 वधाया करा, 2-2 250 रुपये वधाता जे भी 20% लैस भी करे उ। कथू नंगल तो प्रीतम सिंह गुरिंदर सिंह जीवे पंजाब टीवी।